देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटा सा ट्रिक है इसके अंदर जो कि हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, पर अगेन आप कोशिश कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अगर आप नहीं सॉल्व कर सकते तो इस वीडियो पर दोबारा से आइए और इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए, ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बट देखिए कैसे व्हाट दे आर सेइंग इज, दे आर सेइंग कि हमारे पास अगर n फैक्टोरियल 3 इंटू n फैक्टोरियल एन n प्लस 1 फैक्टोरियल आर इन जी पी, तो n और ये जो n 5 इंटू n फैक्टोरियल n n प्लस 1 फैक्टोरियल आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट इन ए पी जी पी एच पी और नन ऑफ दीज। ओके, देखो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है। जब मैं जी पी की बात करता हूँ, जी पी की बात करता हूँ तो जी पी होता क्या है हमारे पास, इट इज़ अगर टर्म्स हमारे इस फॉर्म में है ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन ए आर रेस्ट पावर एन, अगर टर्म्स इस फॉर्म में है हमारे पास तो उसको हम बोलते हैं द टर्म्स आर इन जी पी। उसी तरीके से जब मैं बोलूँगा कि टर्म्स आर इन ए पी, ए पी का मतलब क्या है, टर्म्स ऐसे होंगी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी अप टू सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। सो ये भी एन माइनस वन तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर कोई टर्म्स जी पी में है तो यानी कि इस फॉर्म में होंगी, अगर कोई टर्म्स ए पी में है तो यानी कि इस फॉर्म में होगी। उसी तरीके से अगर कोई टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, एच पी इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ए पी एंड जी पी, ठीक है। तो जब हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब है टर्म्स होगी हमारे पास वन अपॉन ए और दूसरी टर्म होगी हमारे पास वन अपॉन ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म होगी हमारे पास वन अपॉन ए प्लस टू डी, नेक्स्ट होगी वन अपॉन ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। अगर इस टर्म इस केस में हमारे पास इस तरीके से टर्म्स गिवन है, यानी कि जो टर्म्स हैं हमारे पास वो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो अब ये जो टर्म्स हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया गया है, और उसी तरीके से टर्म्स हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है और हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। नाउ दे आर आस्किंग अगर ये जो टर्म्स गिवन है ये जी पी में है तो ये जो टर्म्स गिवन है ये किस फॉर्म में होगी। देखो जी पी की एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, अगर हमें देखो तीन टर्म्स ही गिवन है, अगर तीन टर्म्स के बारे में अगर आप चेक करेंगे तो तीन टर्म्स हमारे पास क्या है ए ए आर और ए आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए जो गिवन है वो है हमारे पास एन फैक्टोरियल, ए आर जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास थ्री इंटू एन फैक्टोरियल, और ए आर स्क्वायर जो हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास एन प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से आप यहाँ पर देखेंगे तो आप इन तीन टर्म्स को देखिए, इन तीन टर्म्स आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दैट इज थर्ड टर्म इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो क्या होगा हमारे पास ए इंटू ए आर स्क्वायर, जो कि क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये जो हमारी मिडल वाली टर्म है इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, जैसे मिडल वाली टर्म हमारे पास है ए आर होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन है वो सेकेंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर इस तरीके से हमारे पास कहीं पर सेटिस्फाई होता है, यानी कि जो टर्म है वो हमारे पास जी पी के अंदर है। उसी तरीके से अगर मैं ए पी की बात करता हूँ तो ए पी में एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, पहली टर्म अगर हमारे पास ए है, सेकेंड हमारे पास ए प्लस डी है और थर्ड हमारे पास ए प्लस टू डी है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा ए प्लस ए प्लस टू डी, जो कि होता है हमारे पास टू ए प्लस टू डी। तो प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारी सेकेंड टर्म है अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस डी, तो वो हमारी फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होगा। अगर आपको ये दो प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप HP के लिए भी प्रॉपर्टीज़ को निकाल सकते हैं और ये प्रॉपर्टी इजीली डिराइव की जा सकती है। जैसे कि HP के अंदर जो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है, आप चेक कीजिए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पर वैलिड है। एनीवेज इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ AP और GP की ज़रूरत थी, इसी वजह से मैंने सिर्फ AP और GP की प्रॉपर्टीज़ को आपको बताया है, ठीक है। तो आप चेक कीजिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, हमें क्या गिवन है कि n फैक्टोरियल और 3 इंटू n फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल आर इन जी पी, आर इन जी पी। इसका मतलब है कि हम लोग अगर सेकेंड टर्म लेंगे, सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे, यानी कि अगर हम इस टर्म को लेंगे इसका स्क्वायर आएगा 3 इंटू n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास n फैक्टोरियल
और थर्ड टर्म है हमारे पास n प्लस वन फैक्टोरियल, तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, इट इज़ 9 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल होल स्क्वायर विच इज़ n प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब फर्दर यहाँ पर निकालेंगे कि ये जो स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ n फैक्टोरियल है, तो इसमें से एक n फैक्टोरियल को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 9 इंटू n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n प्लस वन फैक्टोरियल। फर्दर ये जो n प्लस वन फैक्टोरियल है, इसको आप डिकम्पोज करेंगे तो ये बनेगा n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल, जिससे अगर आप n को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास निकलेगा n प्लस वन इज इक्वल टू 9, देयर फोर n इज इक्वल टू 8। तो n की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर पहली टर्म हमारे पास जी पी के अंदर है तो सेकेंड टर्म जो है हमारे पास वो ए पी के अंदर होगी या नहीं होगी। अब फर्दर इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आपको n की वैल्यू पता चल गई तो इन n की वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो और अपने सॉल्यूशन को निकाल लो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस केस में ये है कि हमारे पास n 8 है और जो 8 का जो फैक्टोरियल होता है वो एक काफ़ी बड़ी वैल्यू है। 8 का जो फैक्टोरियल होगा वो काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी, तो कैलकुलेशन में यू आर गोइंग टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो उस कैलकुलेशन के थ्रू भी आप इसको निकाल सकते हैं कि ये जो तीन टर्म्स हैं ये हमारे पास जी पी के अंदर है, एच पी के अंदर है या आई पी के अंदर है। क्लियरली मैंने यहाँ पर एच पी इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑब्वियसली आप इनको देख कर कह सकते हैं कि दे आर नॉट इन एच पी। ठीक है, दे आर नॉट, दे मस्ट बी इन जी पी और ए पी। अब देखो, जो हमारे पास सेकेंड टर्म थी ये, इस पर हमारे पास टर्म गिवन है एन फैक्टोरियल, दूसरी टर्म है हमारे पास 5 इंटू एन फैक्टोरियल और तीसरी टर्म है हमारे पास एन प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि ये ए पी के अंदर है कि नहीं है, तो ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड होना चाहिए और ये फॉर्मूला वैलिड होना चाहिए, और अगर जी पी के अंदर है तो ये फॉर्मूला वैलिड होना चाहिए। तो इन तीनों में से सबसे आसान जो सबसे पहला ऑप्शन ये बना है वो हमारे पास ए पी के लिए है। तो पहले हम ए पी के लिए टेस्ट कर लेते हैं कि ए पी के लिए वैलिड है कि नहीं है। अगर ए पी के लिए वैलिड नहीं होगा तो हम जी पी के लिए टेस्ट करेंगे, अगर जी पी के लिए वैलिड नहीं होगा तो हम एच पी के लिए टेस्ट करेंगे, और अगर तीनों में से किसी के लिए वैलिड नहीं होता तो हम बोलेंगे नन ऑफ दीज। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ए पी। ए पी का मतलब क्या है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो सम है वो सेकेंड टर्म के ट्वाइस के इक्वल होना चाहिए। जैसे सेकेंड टर्म का जो ट्वाइस है, जो सेकेंड टर्म है हमारे पास, दिस इज 2 इंटू 5 इंटू एन फैक्टोरियल, ये जो टर्म है ये फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम कितना है हमारे पास, एन प्लस एन फैक्टोरियल प्लस एन प्लस वन फैक्टोरियल। अगर ये चीज़ इसके इक्वल आ जाती है तो ये सम हमारे पास वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू एन फैक्टोरियल। एन की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 8 फैक्टोरियल। फर्दर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो, 10 इंटू 8 फैक्टोरियल जो है इसको आप फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज 9 प्लस 1 इंटू 8 फैक्टोरियल, जो कि फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 9 इंटू 8 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 8 फैक्टोरियल, विच कैन बी फर्दर रिटन एज 9 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जब ये 9 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल की बात करें, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इस टर्म से, देखो इस टर्म से अगर आप, तो n की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 8 थी, तो ये जो टर्म है ये लिखी जा सकती है n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये है कि आप सेकेंड टर्म का अगर आप ट्वाइस लेंगे तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के सम के इक्वल है, करेक्ट। तो ये जो टर्म है हमारे पास, ये जो गिवन टर्म है, दे आर इन ए पी, दे आर नॉट इन जी पी एंड दे आर नॉट इन एच पी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज दीज टर्म्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।